hi we are live from the scratch office in sunny downtown boston welcome everyone so this experience can be the best for you Selected. hello i'm luke boston se hain. i'm spanish portuguese me left side. you can choose whether english spanish or portuguese

मैं फ्रांसिस्को सेवान हूँ मैं न्यूयॉर्क से हूँ मैं वेस्ट कोस्ट से हूँ पहले और मैं स्क्रैच टीम के साथ काम कर रहा हूँ और मैं ये स्क्रैच टीम अभी ट्वेंट दो हजार बाईस में इधर में होने का मैं बहुत खुश हूँ हमारे पास बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो आ, जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जो सीखने के तरीके हैं इनको इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे टीम वाले जो हैं सब जानते हैं कि और मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ यहाँ पर होने पर पहले मैं कहना चाहती हूँ फ्रांसिस को आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरे नेटवर्क के बारे में और मेरे बारे में मैं पोर्चुगीज़ में बोलूँगी मैं गुड मॉर्निंग मैं मेरा, मेरा नाम कैरल है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग मेरा नाम कैरोलिना है और मैं ब्राज़ील से हूँ और मैं पेदे चौकी टीम में हूँ मैं अपने आपको स्क्रैच का बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरे लिए बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पर आज हो के डिज़ाइनर्स और परिवारों को तीन हज़ार से भी ज़्यादा लोग इस साल के कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं और मैं आप सबको इन्विटेशन देती हूँ ताकि आप लोग जो चैट स्पेस हैं उसका इस्तेमाल करें आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करते आ रहे हैं मैं मैं आपको देखती हूँ कोलंबिया से मैक्सिको से थैंक यू कि आप सब लोग जुड़े हुए हैं जो ये 2022 का स्क्रैच कॉन्फ्रेंस है स्क्रैच फाउंडेशन और स्क्रैच फैमिली ने इसको आ, इसका इसकी व्यवस्था की है और और सब आप लोग जो हैं जो आ, काम कर रहे हैं और इस साल का जो टीम जो आ, थीम है ये क्रिएशन का है मैं अंग्रेजी में नहीं बोल सकती हूँ मगर आप क्या क्रिएट कर सकते हैं अगर बच्चे क्रिएट ना करें आप क्रिएट ना करें फिर ये स्क्रैच आपकी रचनात्मकता के, के बगैर तो चल ही नहीं सकता है तो हम लोग ये देखना चाहते हैं, हैं कि अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग संस्कृतियों में ये स्क्रैच टीम कैसे इस्तेमाल हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सब लोग एक साथ से जुड़ सकते हैं इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं आप लोगों को इन्विटेशन देने के लिए ताकि आप क्रिएट करें और आप अगर आप पूरा टाइम सेशन में नहीं हो, हो सकते हैं आप इसको छोड़िए मत आप पार्टिसिपेट करिए जितना कर सकते हैं और हम आपको ये भी उत्साहित करते हैं कि जो लोग आपके आ, इधर गिधर हैं उनको भी बुलाएं और उनको भी बोले कि ज्वाइन करें हमारे पास दो सोशल सेशंस हैं आप स्क्रैच प्रोडक्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं इसके द्वारा अब हम स्क्रैच फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव फाउंडेटर श्रामना यंग को इनवाइट करते हैं वेलकम शाना हेलो कैरोलिना और फ्रांसिस को थैंक यू वेरी मच मेरा नाम शना योंग है और मैं स्क्रैच फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े हैं ये हमारे दूसरे स्क्रैच कॉन्फ्रेंस में और हम लोग बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और अगर ये आपका पहला स्क्रैच का कॉन्फ्रेंस है तो वेलकम uh, और इसमें जो लोग जो अध्यापक है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एम आई टी लैब में ज्वाइन कर के साथ ज्वाइन करते हैं और लोग पूरी दुनिया से लोग जो स्क्रैच अपने कक्षाओं में का उसका इस्तेमाल करते हैं मेरे लिए मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है मुझे लग रहा है कि मैं घर आई हूँ क्योंकि मैं एक आ, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और मैं अध्यापक थी तो मैं ये भी जानती हूँ कि, कि गर्मियों की छुट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ताकि आप सब रिलैक्स कर सकें और आप तैयार हो सके अगले अगले साल के लिए तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और आप हम लोगों के साथ जो काम आप कर रहे हैं इसके बारे में आप हमें बताएँगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं जो लोग स्क्रैच के साथ काम करते हैं अलग अलग जगहों से पूरी दुनिया में और ये हमको बता सकते हैं कि हम अपने आ, अपनी कक्षा में कैसे बच्चों को को मदद कर सकते हैं और हम 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 ये आ, ये चाहते हैं कि इस साल के आप लोग कुछ नया सीखे और कुछ नया अपने अपनी कक्षा में ले जाए और आप दूसरे दूसरे लोगों से सीखे जो इस कॉन्फ्रेंस में आप जानते हैं कि हमारा आ, हमारा ये पंद्रहवा एनिवर्सरी है पंद्रह साल हो गए हैं जिसमें हम लोग इसमें हम लोग काम करते आए हैं जैसे आप जानते हैं हम जो चाहते हैं कि जो जवान बच्चे हैं उनको हम हम कोई उनको सिखाए कि वो कैसे सीख सकते हैं और वो जो सीख रहे हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं तो आप लो, कोई लोग हैं जिनके लिए ये पहला आ, ये पहला कॉन्फ्रेंस है। आप आ, पता नहीं कि आप चाहते हैं कि हम जब से हम लोगों ने शुरू किया है हमारे सौ मिलियन लोगों ने प्रोजेक्ट्स शेयर किए हैं और हम लोग बहुत खुश हैं ये जानने के लिए कि आप स्क्रैच कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और आप हमारे साथ ये बताएं कि आप कैसे स्क्रैच को इस्तेमाल करते हैं साल हर साल स्क्रैच एम में शुरू है मिच रेसनि और एल डी वॉस्क वो पाइन थे और वो नए बिल्कुल नई चीज़ें सिखा रहे थे क्रिएटिव कोडिंग के लिए और वो उन वो जो उनकी जो सोच थी और उनकी सोच थी कि जो बच्चे हैं वो सीख सकते हैं और हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया जिस और हम लोग जो सोचते हैं कि जो चीज़ हम कर ले हैं ये पढ़ाने की नई नई तरीका है और हम लोग पंद्रह साल पहले इसको हम लोगों ने इसको शुरू किया था हम हमारी जो ऑनलाइन कम्युनिटी है और बच्चे बात आ, बात कर रहे हैं और जो क्लास आ, कक्षाए है, है, जो scratch और scratch का कक्षाएं हैं क्लब्स हैं जो स्क्रैच और स्क्रैच जूनियर के का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोडिंग जो है ये आप लोगों के कक्षाओं में आए क्योंकि अभी ये प्लेटफॉर्म से ज़्यादा है स्क्रैच अब एक uh, एक मूवमेंट है जिसमें अलग अलग सोच आते हैं अभी हमारा ये क्रिएटिव कोडिंग मूवमेंट जो है इसकी ज़रूरत है मैं आपके साथ एक कहानी बताना चाहती हूँ एक स्क्रैच हमारे स्क्रैचर जो लेगो कॉन्फ्रेंस में बात किया था उ, उसने बताया कि कि आ, बहुत बार ये होता है कि जिस कक्षा में सब लोगों को बहुत सीरियस होना पड़ता है और उनको बस ब्लैक बोर्ड देखना पड़ता है तो उसने हमें पूछा कि उन्होंने हमें ये हमसे ये, हम ये मांग की कि हम इसको बदल, आ, कि हम ये बदला करें और उन्होंने बोला कि, कि उसने वो चाहती है कि आ, कि सीखने की तरीका का तरीका बदला बदलना चाहिए पूरी दुनिया में आप लोग यहाँ साइंस कॉन्फ्रेंस में हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत जरूरी है कि बच्चों को, को सीखना चाहिए और आपका जो क्रिएटिव लर्निंग मूवमेंट में जो आप सोच आपकी सोच है इस इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपकी कक्षा में ही नहीं मगर पूरी दुनिया में थैंक यू कि आप हमारे स्क्रैच कम्युनिटी के साथ जुड़े और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग नए टेक्नोलॉजीज नए टूल्स नए फीचर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं और इससे बच्चों का को सीखने के नए तरीके आएंगे और हम लोग अलग अलग संस्थाओं से जुड़ रहे हैं पूरी दुनिया में जैसे ब्राजीलियन क्रिएटिव नेटवर्क है द फ्यूचर फाउ स्क्रैच फाउंडेशन का जो आ, आगे में आप लोगों की जरूरी है जरूरत है और अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ई का बहुत धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने हमें हमारी मदद की तो हम आप सबको ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल मुफ्त दे सकें और आप लोग इसके इसका इस्तेमाल करें आप मजा करें और आप सीखें थैंक यू थैंक यू स्क्रैच टीम अब मेरा प्रिवलेज है कि क्योंकि मैंने ये स्क्रैच uh, कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर किया है और ये हम uh, छः सालों से करते आ रहे हैं स्क्रैच ई पम हम लोग ई पम स्क्रैच हमको बहुत कायम से से जानते हैं ई पम्प ई किड्स उन्नीस उन्नीस देशों में है और हमारी जो संस्थाएं हैं हमारे बच्चों को मदद कर सकती हैं आ, अलग अलग जगहों में मैं आ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कुछ कुछ दिखाना चाहती हूँ जो हमारे बच्चे स्क्रैच के बारे में बोलते हैं मैंने स्क्रैच सीखा ई पी एम प्रोग्राम में कोडिंग स्क्रैच बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत मज़ा आता है मैं स्क्रैच को का इस्तेमाल करती हूँ पहले मैंने सोचा कि स्क्रैच बहुत ही मुश्किल था और बहुत टाइम लगेगा स्क्रैच खींचने के लिए मगर जब मैंने स्क्रैच प्रोग्राम सीखा मैंने मुझे मालूम पड़ा कि ये बहुत ही आसान आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो स्क्रैच प्रोग्राम है इसके साथ आप गेम्स करा कर सकते हैं मैं मैंने अलग अलग गेम्स इसमें सीखे और अब मैं जानती हूँ जो स्क्रैच का क्या महत्वपूर्णता है मैं ऑल प्रोग्राम्स आगे में सीखना चाहती हूँ स्क्रैच के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप इससे चित्राएं बना सकते हैं और स्क्रैच में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी जैसे कोडिंग और स्लाइड्स बनाना और गेम्स बनाना मैं ई e और स्क्रैच के बहुत आभारी हूँ मैं दूसरे बच्चों दूसरे अलग अलग जगहों में दूसरे बच्चों से मैंने बहुत दोस्ती की और हमारे एक बहुत बड़ा परिवार है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं स्क्रैच के लिए के साथ इसमें कोई लिमिट नहीं है आप लोगों को इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हेलो मैं एरेकार हूँ मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ यहाँ स्क्रैच में मैं आप लोगों को आप कुछ बताना चाहती हूँ कि स्क्रैच और स्क्रैच जूनियर में क्या नई चीजें आए हैं। आए मैं क्रिस कैरिटी हूँ स्क्रैच में भी प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और मैं भी आप लोगों को कुछ नई चीजें स्क्रैच और स्क्रैच जूनियर के बारे में बताना चाहती हूँ वेलकम मैं बहुत खुश हुई यहाँ पर आके cool, yeah. अच्छा मैं अपने स्लाइड्स को शेयर करते हैं ठीक है अभी मैं आपको दिखाती हूँ दिखाता हूँ क्या नई चीज़ आने वाली है तो स्क्रैच कम्युनिटी में जब आप इसमें जुड़ चुके हैं और इसमें कई सप्ताहों के लिए काम करते करते आ रहे हैं मैं तो फिर आप नए स्क्रैचर से स्क्रैचर के के लिए पूछ सकते हैं। Of our online community, uh, and so we have new content and illustrations. So, we have a lot of illustrations. We you to be respectful and keep the community safe and friendly for everyone. And of course, when you accept the invitation, or यह कोई काम जो चल रहा है और यह प्रयोग की तरह से है जो कार्य के प्रगति को दिखाता है इस पहुंच को सुधार करता है हम देख रहे हैं नए रंगों को ताकि टेक्स्ट को बेहतर बना सकें और And I just wanted to give a teaser for something coming up soon. In the online community. Uh, it's a series of activities that our wonderful creative learning team leads uh, with um, prompts, themes, challenges. Um, and there's something new every year, and the explosion of creativity from kids around the world. Uh, Interpreting our themes in ways we never imagined and collaborating and remixing each other's projects is always so exciting to see. So, that's coming in August, um, and stay tuned for updates on Scratch Camp. Now, I'll pass to Chris G. Thanks, Eric. Um, I'm so excited to see what people create for Scratch Camp this year. Uh, so, anyway, I'm going to talk about Scratch Junior. We've also been working on some new things there. एक चीज जो हम लोगों ने कहा है हम लोगों ने और लोगों को इसमें जो ये कैरेक्टर्स हैं इन लोगों को जोड़ा हुआ है यहाँ पर ये एक अच्छा तरीका है जिससे हम हम हमारे ये लाइब्रेरी को बढ़ा सके हमने लोगों के के रंग भी बदल चुके हैं तो एक बच्चा प्रोजेक्ट कर सकता है लोगों के साथ जो उसके जैसे लगे तो उसके उसी रंग अपने रंगों से और हम लोगों ने स्क्रैच जूनियर में और भी भाषाएं जोड़ चुकी हैं अब हमारे 22 लैंग्वेज भाषाएं हैं हम और इस साल हम लोगों ने कोरियन और यूक्रेनियन को जॉइन करा है अपने वॉल्टियर्स के साथ और अभी मैं आपको बताना चाहता चाहती हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं और अगले साल हमारे पास क्या हो गए अब जो स्क्रैच जूनियर है वो खाली मोबाइल डिवाइसेस में हैं और अगर आपके पास ये वेब में मिले और तो सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक चीज़ है जो हम हम लोग करना चाहते थे और अभी हम लोग एक नए स्क्रैच जूनियर को भी डेवलप कर रहे हैं जो वेब की जो गाइडलाइंस है उसका इस्तेमाल कर सके और स्क्रैच जूनियर में एक स्क्रैचर्स की कम्युनिटी नहीं है मगर हमारे पास स्क्रैच जूनियर कनेक्ट है स्क्रैच जूनियर कनेक्ट में आप लोग अपने प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं और स्क्रैच जूनियर कनेक्ट एक स्क्रैच और एक टेक रिसर्च ग्रुप के साथ कलेब्रेशन है और ये आ, आ, इसका आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं ये ख, खाली कुछ ही में मैं आपको बता रही हूँ जो स्क्रैच और स्क्रैच जूनियो में क्या नई चीज़ है अब मैं मरीना बेर्स को बुलाना चाहती हूँ ताकि वो आपको बता चाहे बताए कि वो क्या कर रही हैं स्क्रैच जूनियम में हेलो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आपके साथ जुड़ के मेरा नाम मेरा हमारी नाम है और मैं प्रोफेसर हूँ और मैं रिसर्च ग्रुप में काम करते हूँ और हम लोग शुरू से ही स्क्रैच जूनियर में काम कर रहे हैं पिको कंपनी और लियोन के साथ और 2014 में हम लोगों ने स्क्रैच जूनियर लॉन्च किया और स, स्क्रैच जूनियर छोटे बच्चों के लिए चार से सात साल के बच्चों के लिए बच्चे जो अभी आ, अभी बच्चों जो अभी आ, अभी सीखना चाहते हैं जो और ताकि बच्चे सीख सके कि वे कि वह कोडिंग कर सके बल्की. वे खुले रूप में हों और वो कल्पना करें एक साथ इकट्ठा हों बच्चों के साथ साथ में प्रोजेक्ट बनाएं ज़रूरी नहीं है कि वे सब कुछ स्क्रीन पर ही करें छवियों से खेलें और जितना भी वो आनंद से काम कर सकें करें और इसके साथ सीखें इस आप अपने कैलेंडर बना सकते हैं छवियां बना सकते हैं क्योंकि यह बच्चे छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है और जब आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे बच्चों के साथ तो आप सोचने और सोचने के तरीके के बारे में कौशल विकसित कर रहे हैं क्रम बना रहे हैं और जब हम चाहते हैं कि बच्चे का समय अच्छा बीते और वे खेलें साथ रहें हम सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए कि वो इकट्ठे आएं और अन्वेषण करें कल्पना करें और हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि वे स्क्रैच जूनियर कनेक्ट में विज़िट करें और हम ख़ास तौर से कोडिंग के बारे में सोचते हैं जो एक दूसरी भाषा के रूप में हो और वे साथ मिलकर कोडिंग करें और जब बच्चे बढ़ने लगते हैं तो वे थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो तो वे स्क्रैच में जाने के लिए तैयार होते हैं और मैं वास्तव में चाहती हूँ कि वे इस क्रिएटिंग के पाथवेज वाले सत्र में आए ताकि आप अन्वेषण करना शुरू कर सकें कि किस तरह से हम स्क्रेच जूनियर से स्क्रैच पर जा सकते हैं और हम क्या करके खेल कर कल्पना करके काम करते हैं और अब हम स्क्रैच जूनियर से वे आपको अच्छे मित्र हैं और सहकर्मी हैं जो आपसे साझा करेंगे कि किस तरह से जीवन भर सीखा जा सकता है यहाँ मजा करें हेलो so नमस्ते मुझे बहुत रोमांच है कि मैं आपके साथ हूँ और मुझे हमेशा स्क्रैच पसंद आता है बहुत शानदार जगह है और ये सब रचनात्मक चीजों के साथ काम करते हैं जो स्क्रैच कहलाता है मैं चाहता हूं कि स्क्रैच चलता रहे और यह आपके जैसे शिक्षकों के लिए काम करे जो युवाओं के साथ काम करके उन्हें आगे बढ़ाते हैं और जब हम मैं चाहता था कि मैं आपसे साझा करूं कि और खुले दिल से हम लोग यह देखें कि कि हम किस तरह से समर्थन कर सकते हैं रचनात्मकता में और स्क्रैच के साथ सीखने में मेरी कहानी शुरू होती है मार्च सात को जब मुझे एक ईमेल मिली स्क्रैच से यूक्रेनियन के शिक्षक से और उनका संदेश था कि दस दिन से आज तक यूक्रेन के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया वे चाहती थी कि, कि अन्वेषण करें कि वे कैसे स्क्रैच का उपयोग करती हैं और कैसे उदारता से काम करती हैं और आक्रामकता को हटाती हैं और यूक्रेन और पूरी दुनिया में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उस ईमेल संदेश से मैंने कई बार देखा कितनी बार रोमांचक हुआ मैं और उस बातचीत के आधार पर स्क्रैच टीम ने एक ऑनलाइन स्टूडियो बनाया और जिसने एक यह बटन दिया जो मेरे मैं दिखा रहा हूं स्टूडियो में और कुछ ही दिनों में स्टूडियो हजारों प्रोजेक्ट के साथ तैयार हुआ और उसमें साझा किया किस तरह से हम उदारता को साझा कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो हमारा समर्थन चाहते हैं और निश्चित रूप से स्टूडियो में प्रोजेक्ट के आधार पर हम युद्ध को नहीं रोक सकते आक्रामकता को खत्म नहीं कर सकते लेकिन उन हमें से हर प्रोजेक्ट में ऐसी उदारता थी जो इकट्ठा होकर के एक तरह की कृपा बनी कि हम एक उदारता की संस्कृति बना सकते हैं इसलिए मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जूम वार्तालाप में अलेशिया के साथ मैं एक वीडियो आपके साथ साझा करना चाहता हूं जिसमें वे अपने अनुभव को साझा कर रही हैं और इस उदारता के बारे में फिर से आपको देखकर मुझे अच्छा लगा एलिसिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे साथ बातचीत करके मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव साझा करें स्क्रैच के साथ स्क्रैच मेरे जीवन का हिस्सा है और उन पलों से लेकर के जब मैं अब स्क्रैच पर सब कुछ कर सकती हूं, शानदार परियोजनाएं और नई चीज़ें खोजने में अध्यापन के लिए स्क्रैच के माध्यम से कुछ साल पहले मैंने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि भविष्य के जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक होंगे वे स्क्रैच से काम कर सकेंगे और परियोजनाएं से काम कर सकेंगे और उन्होंने अलग अलग बच्चों और शिक्षकों के साथ काम किया पाठ्यक्रम प्रतियोगिताएं और बहुत सारे कामों में यह मदद करता है मैं यह हाईलाइट करना चाहती हूं कि स्क्रैच स्क्रैच के टूल सहायता करता है और उदारता को बढ़ाने में मदद करता है हमारे आसपास मैं सोचती हूं कि स्क्रैन स्क्रैच अलग पीढ़ियों तक इस उदारता को भेजा सकता है इसने मेरे हृदय को छुआ है और आपने किस तरह से स्क्रैच की का वर्णन किया है और इससे जोड़ा है अपने काम में क्या आप बता सकती हैं कि जब आप उदारता की बात करते हैं तो इससे क्या मतलब है हर मानव किसी तरह की उदारता कर सकता है हम छोटे से काम कर सकते हैं और लेकिन उदारता से छोटा काम शुरू होता है लेकिन समय के अनुसार वे बड़े पैमाने पर कृपा या उदारता को पैदा कर सकते हैं उसकी संस्कृति बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि लोग इसके बारे में सोचें कि आगे बढ़े मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर के कि उदारता के कितने तरीके हैं और यह हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है उदारता लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह पहले के मुकाबले में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और बड़े पैमाने पर उदारता जो कठिन स्थितियों में होती है और हमारे जो देश हैं उनमें हमारे आसपास और दुनिया भर के लोग इकट्ठा हो सकते हैं उदारता को दिखाने के लिए और यह सुझाव है कि कि वे हमेशा कृपा पर बने रहें और आइए हम देखें कि और तरीके ढूंढें कि हम सभी की मदद करें कि हम कृपा Uh, को बनाने में और uh, ऐसे लोगों को बनाने में मदद करें कि वे एक उदारता की तरंगे पैदा कर सकें उसकी संस्कृति बना सकें मुझे बहुत खुशी है कि आपसे बात करके और यह सुन करके और ये चुनौतियां दूर करने में भी जिस तरह से आप काम कर रही हैं मैं मैं बहुत प्रेरित हुआ हूं उनसे और इसको सुनने में और मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात की है इन विचारों को लेकर दूसरे चैनल में स्क्रैच की बातें की हैं आपने बहुत लोगों का उल्लोख किया है शायद मैं सुनना चाहूँगा कि कैसे आप उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में अनुभव करती हैं कि जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया मेरे दोस्त ओलेना ने जो परिवार में है उसने अपना घर छोड़ना था इस समर्थन के लिए मैं चाहती थी कि उसकी मदद करूं और मैंने एक कविता लिखी उसके घर के बारे में इसलिए मैंने अपना अनुवाद किया कविता का अंग्रेजी में और पूरी समुदाय के लिए उसे पेश किया उसके कारण एक ऐसी श्रृंखला बनी जिसके माध्यम से उस कविता को अपनी देशी भाषा में कमेला ने अनुवाद किया और उसे प्रसारित किया इटली में जैनी ग्रेट ब्रिटेन से जैनी ने इसकी रचनात्मक फोटो ली जो हमारे हाउस ने बनाया था और उससे प्रेरित होकर स्पेन से फ्रांसिस्को ने लिखा और रिकॉर्ड किया अपना गीत स्पेनिश में और जिसमें उदारता की चीजों को इकट्ठा किया गया और स्क्रैच प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया हाउस के मैंने यह दिखाया उस अपने बच्चों को यह प्रोजेक्ट दिखाया और यह स्क्रैच का प्रोजेक्ट था और उसके आधार पर बच्चों ने एक और प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उदारता को जोड़ा गया और स्क्रैच टीम को दिया गया उसके बाद हमने बहुत सारे पार्ट इकट्ठे किए सभी लोगों के लिए यूक्रेन के लोगों के लिए उनके बच्चों के लिए शैक्षिकों शिक्षकों के लिए कि उन्हें दिखा सकें कि कैसे हम स्क्रैच से उदारता को फैलाने में मदद कर सकते हैं तो स्क्रैच परियोजना ने सबको इकट्ठा किया लोगों को अलग अलग लोगों से और यह बहुत बड़ा उदाहरण है उदारता का और ये कहानी जा, जारी चाहिए बहुत अच्छा बहुत अच्छी कहानी है इसको फैलाने के लिए उदारता को फैलाने में तो आपकी क्या उम्मीद है आगे के समय में इससे मेरे सपना है कि कि मैं व्यवस्था करूं ऑफलाइन या ऑनलाइन कैंप यूक्रेन के बच्चों के लिए और कल्पना के रूप में सपने के रूप में मैं सम्मेलन इकट्ठा आयोजित करना चाहती हूं वैज्ञानिकों के लिए यह बताने के लिए कि कैसे काइंडनेस या उदारता भविष्य के शिक्षा में काम आ सकती है मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं इसमें सभी लोगों के लिए और लेकिन लेकिन सपने को पूरा होने देते हैं और भविष्य में जो उदारता है वह है उसी की हो। मुझे यह सुनकर बहुत पसंद आया मुझे लगा कि वे कितनी मजबूती से इस पर विचार करती हैं स्क्रैच के लक्ष्यों को लेकर और मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि, कि रचना और उदारता जब हम बात करते हैं कि कैसे स्क्रैच सीखने का अवसर होता है लोगों को इस तरह की चीज़ों को फैलाने में मदद करता है और यह हमें याद दिलाता है कि कितना महत्वपूर्ण है उदार होना और यह सुनिश्चित करना कि स्क्रैच मित्रतापूर्ण है और बहुत उदार समुदाय है न केवल परियोजना के रूप में लेकिन विप्रेरित भी करते हैं और सीखने में, में मदद करते हैं और इन सब सालों में उदारता की चीजें पैदा करने में मदद की है और हम उदारता की तरंगे पैदा कर सकते हैं और सब लोग इसमें मदद कर सकते हैं और यह यह करीना को के पास वापस चलते हैं बहुत धन्यवाद कोई भी परियोजना बना सकता है स्क्रैच पर कि और दूसरे को महत्व महत्व दे सकता है to... और हम इसे द्वारा कृपा को फैला सकते हैं इसमें और परियोजनाएं बन सकती हैं और परियोजनाएं आगे आ सकती हैं your... और मुझे बहुत खुशी होगी कि कैसे युवा लोग इसमें काम करते हैं और प्रेरित होते हैं और स्क्रैच किस तरह से उदारता को फैलाता है इसके बहुत उदाहरण सामने आते हैं और मैं चाहती चाहता हूं कि इस पर सिफारिश की जाए मैं चाहती हूं कि आ, आप हमारे समुदाय के नेता से इस बारे में सुने जो हमारे ऑनलाइन समुदाय का नेतृत्व करते हैं और स्क्रैच के ऑडिटर लॉयर जो ऑनलाइन समुदाय की बात करते हैं और जो स्क्रैचर्स हैं उनको मदद करते हैं लेकिन पहले मुझे बहुत खुशी है कि मैं परिचय करूं बहुत ही अद्भुत नेता जो स्क्रैच नेता के कक्षा के नेता हैं और हाय लिन हाय फ्रांसिस्को हाय और ये शानदार परिचय के लिए धन्यवाद मुझे यह बहुत पसंद है यह समुदाय स्क्रैच शिक्षा दो साल हो गए हैं मुझे इसमें जो संगठनों को साथ लाती है और कोडिंग के बारे में सिखाती है सहयोग के बारे में सिखाती है डिजाइन के बारे में सिखाती है और हमारा विजन है कैसे हम संगठनों को मर, समर्थन कर सकें जो समुदाय के रूप से साथ हो और स, वो संलग्न हो सके स्क्रैच के साथ और हमारे प्रोग्राम के हिस्से के रूप में हमने वास्तव में वैविध्यपूर्ण समुदाय बनाया है डिज़ाइन में प्रोग्राम में जिसमें स्थानीय समुदाय भी हैं जो और वो समुदाय के स्क्रैच के साथ काम करते हैं वे तेरह अलग, अलग अलग देशों से हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और अलग, अलग अलग रूप से वे असाधारण काम कर रहे हैं और हजारों शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं हम वास्तव में 25 देशों में हम लोग फैल चुके हैं पूरी दुनिया में अपने आउटरीच प्रयास के कारण फिनलैंड तिलैंड यूक्रेन और दूसरे शहरों में यूनाइटेड स्टेट्स में कैलिफोर्निया में एरिजोना में मुझे फ्रांसिस्को को देखने में बहुत गर्व होता है कि मैं सोचती हूँ कि की संभावनाएं अनंत हैं और मैं नहीं सोच की किस तरह से हम लोग स्थानीय लोगों के साथ काम करें कम्युनिटी मॉडरेटर मैनेजर हूँ और मैं क्रिस्टन हूँ कम्युनिटी संलग्नता मैनेजर हूँ आज मैं बाप से बात करूंगी स्क्रैच सहयोग के बारे में और प्रेरक कहानियों के बारे में जो सहयोग है वो समुदाय में बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो स्टूडियो के माध्यम से होता है स्क्रैचर यहाँ आ सकते हैं अपनी परियोजनाओं के लिए और जब क्वारंटीन शुरू हुआ था तो उन्होंने बहुत सारे विचार पैदा किए जैसे सब लोग अलग रहते थे उस समय और भोजन के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण था स्क्रैचर्स के लिए स्टूडियो में महत्वपूर्ण चीजें की जा सकती हैं, जो पूरी दुनिया में संभव है जैसे यह चीजें स्क्रैचर्स ने बनाई हैं उनके अलावा हमारे अपने स्टूडियो भी हैं जो अपने विचारों के साथ आते हैं और उसके अलावा जैसे ब्लैक हिस्ट्री मंथ इन स्टूडियो में मॉडल बनाने में और डिजिटल प्रोग्राम बनाने में मदद मिलती है और ये दुनिया भर से परियोजना में शामिल होने के लिए आ सकते हैं और हाल ही में जो हमने शुरू किया था एक स्टूडियो उसमें पचासवीं साल पर किया गया था और यह जिस तरह से प्रोग्रामिंग में मदद करने वाला था और यह बहुत शानदार काम था जब हम स्टूडियो में गए स्क्रैचर्स ने प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अपने अद्भुत आप इस पर एक नज़र डालें यह है एक ऐसा स्थान है जहाँ मुझे मज़ा आता है और चीज़ें जीवंत हो जाती हैं मैं खुद आगे बढ़कर काम कर सकती हूँ और ऐसा स्थान है जिसमें समुदाय मिलता है स्क्रैच मेरे लिए है ऐसा स्थान जहां बहुत सारे विचार होते हैं स्क्रैच का मतलब है पूरी दुनिया मेरे लिए जहां मुझे बहुत आनंद आता है मैं रोज इसमें काम करता हूं स्क्रैच में और अपने दोस्तों के साथ इसमें काम करता हूं और मेरी यात्रा यहां शुरू होती है और स्क्रैच हम मेरे दुनिया में मेरे बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा है ये बहुत बढ़िया असाधारण प्रोजेक्ट थे, थे हमारे लिए जिसमें अवसर प्रदान किए गए स्क्रैचर्स को नेतृत्व का अवसर मिलता है हमारे समुदाय में और इसमें बहुत इस तरह से इस तरह की स्टूडियो में ऐसे चीज़ें दिखाई देती हैं जो जिनमें भाग लिया जा सकता है मैं लगातार इसे प्रेरित हो रही हूँ और और टिप्पणियाँ जो इसमें होती हैं वे इसमें मदद करती हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को लिए दुनिया भर में हमारे स्टूडियो के लिए और दूसरी अलग बात जो इसमें दिखाई देती है वह यह है कि ये स्टूडियो को ज़्यादा सफल बनाने में स्क्रैचर्स मदद करना चाहते हैं अलग अलग भाषाओं में हमने इसमें तेईस अनुवाद देखने को मिले दुनिया भर में और रायन मुझे पता नहीं आपको क्या मालूम है लेकिन यह बहुत जबरदस्त है और इसमें बहुत ही प्रेरक चीजें मुझे यह वास्तव में बहुत प्रेरक है और हजारों हजारों प्रेरणा की कहानियाँ इसमें दिखाई देती हैं देखिए पिंक्स मैंकी के द्वारा जो बनाया गया इसमें कहानियाँ सुनाई गई बहुत सारी सुरक्षित समुदाय बनाने के बारे में बात थी जिसमें बहुत सारे सवाल भी पूछे गए और स्टूडियो में दूसरों के लिए भी काम करने की व्यवस्था थी आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं इस बारे में सुनते हैं जो यह है स्टूडियो यहाँ पर सभी का स्वागत है कि वे यहाँ आकर काम कर सकें और ऑटिसिज्म के बारे में यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर अपने और ज्यादा सीखने के अवसर प्राप्त कर सकता है और देख सकता है कि लोगों को कैसे सिखा सकते हैं और मेरे पास हाल ही में, में मेरा निदान हुआ है और मैं समझती हूँ कि किस तरह से मैं अपने जीवन को समझूं और मैं विशेष रूप से इस संबंध में बात करना पसंद करती हूं और चाहती हूं कि कि शिक्षा और समझ इस क्षेत्र में पैदा हो और इसमें सब लोगों को आनंद भी आए फिलहाल मैं ऑटिसिज्म प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं। ऑस्टिसम मेरे के विजन के बारे में बताया गया है जो मुख्य रूप से किस तरह से यह प्रभावित करता है लोगों को उसकी जानकारी है और उस ट्रांसक्रिप्ट की बारी भी है जिस तरह की ओरिजिनल के बारे में जो वास्तव में सही जानकारी हमें दिखाई देती है तो प्रोजेक्ट यह हमें दिखाई देता है कि इस ऐसे प्रोजेक्ट हमारे साथ हो, होते रहने चाहिए मुश्किल काम यह है कि स्टूडियो में हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करें और देखें कि सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और मुझे लगता है कि यह हम लोगों को ऑस्ट्रम के बारे में सीखने में मदद करेंगे और अगर उनको यह नहीं है तो वे दूसरों लोगों को इसमें मदद कर सकें और मुझे लगता है कि इस बारे में हम मदद करके और ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। And now we'll hand it over to our और मैं स्क्रैच में काम करती हूँ और बच्चों को का मद ताकि लोग अपने अपने भाषाओं में काम करें और हम लोग स्क्रैच के लोकलाइजेशन में काम करें करे हूँ और जब स्क्रेच स्क्रैच थ्री पॉइंट और शुरू हुआ तो हमारे पास अब पचास भाषाएं हैं और हमारे पास अभी भाषाओं में हैं और इसमें हमारे पास हजार ट्रांसलेटर्स हैं और कई तो स्क्रैच माँ बाप जो अपने समुदाय में काम करते हैं अभी हम सुनते हैं कि क्यों ये लोग स्क्रैच में काम करता जाए अब हम पहले क्रिस्टल से सुनते हैं जो बहुत सालों से ये वॉल्टियर ट्रांसलेशन कर रहे हैं और स्क्रैच और स्क्रैच जूनियर से काम कर रहे हैं मेरा नाम क्रिस्टिन डैम पीडरसन है और मैं जो स्क्रैच है उसका अनुवाद करती हूँ मुझे याद नहीं है कि मैंने नौ या दस साल पहले मैंने स्क्रैच का अनुवाद करना शुरू किया और अब हमारे पास अभी एक अच्छा टी आ, टीम है और मुझे अकेले काम नहीं करना चाह पड़ता है और जब लोगों को बच्चों को प्रोग्रामिंग करना था तो फिर उनको आ, आ, सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को समझे समझ पाए कि क्या हो रहा है और अगर हम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें तो वो उनको समझ नहीं पाते हैं जब स्क्रैच को अपने भाषाओं में का में इसका अनुवाद करें तो फिर बच्चों को अ, अ, समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है डनमार्क में बोलते हैं कि ये अप्लाइड मैथ के तरह है मैथ की तरह है और स्क्रैच भी में भी अप्लाइड मीनिंग होता है क्योंकि स्क्रैच uh, में जब बच्चों वो उसको पढ़ते हैं तो फिर उसको देख भी सकते हैं तो इस ये अप्लाइड रीडिंग इसको बोल सकते हैं जैसे अप्लाइड मैथ्स होता है जिसमें मैथ्स में देखते हैं इसमें जब पढ़ते हैं तो देख भी सकते हैं मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ मगर मुझे स्क्रैच से बहुत प्यार है और इसलिए मैं इसको करती हूँ और इसको करती आ रही हूँ क्योंकि स्क्रैच का बच्चों के ऊपर बहुत असर है और जब शुरू करते हैं तो लड़कियों लड़कियाँ बोलती हैं कि ये मेरे लिए नहीं है मगर उन्होंने इसका इसको इस्तेमाल किया और फिर उनको पता चला कि इसमें बहुत काम कर सकते हैं और इससे एक पूरी दुनिया खुल जाती है और हम हम निश से सुनते हैं जो बांग्लादेश में है पिछले साल उन्होंने एक पूरे अनुवादों के अनुवाद करने वालों को जोड़ा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में 20 साल से काम करता रहा हूँ और मैं वॉल्टियर हूँ मैं खाली मैं ये इसका अनुवाद नहीं करता हूँ हमारे पास कुम पंद्रह लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आ, हम लोगों ने इसका अनुवाद बंगाली में किया है और हम लोगों ने वर्कशॉप्स जो अध्यापक है उनके लिए किया और जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी जब हम बंगाली में लिखते हैं फिर अलग होता है क्योंकि हो सकता है कि एक बटन में एक शब्द के लिए जगह हो मगर हमारे भाषा में दो या तीन शब्दों की जरूरत हो और पिछले महीने हम लोगों ने वर्कशॉप किया था और इसमें 25 अध्यापक आए थे सम आ, कोई कई साइंस के हैं कई मैथ के हैं मगर सब आए थे इस ये कोट को सिखाने के लिए और बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि बच्चे जो आ, क्लास थ्री तीन में हैं या चार में हैं या पाँच में हैं पांचवी में है फिर वो अंग्रेजी के साथ आ, आ, को बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं जब अगर वो बंगाली में पढ़ सकते हैं तो फिर वो बहुत खुश हैं अब हम अब्दुलरम से सुनते हैं जिसने स्क्रैच को अरबिक में का अनुवाद किया और उन्होंने एक स्क्रैच का एक ग्रुप शुरू किया मैं इस्तानबुल मैं सीरिया से हूँ मगर मैं अभी टर्की में रहता हूँ मैंने 2007 में स्क्रैच को इस्तेमाल करना शुरू किया और उस टाइम एक कंप्यूटर साइंस का एक कंपटीशन मैंने बच्चों के लिए शुरू किया था तो फिर उस वक्त मैं झूझ रहा था कि मैं क्या चीज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ तो उस वक्त स्क्रैच 1.2 था और 18 भाषाओं में था और उस टाइम भाषाओं की जो में नहीं लिखते हैं उसके लिए कोई मदद नहीं था तो, तो मैंने बहुत नहीं सोचा कि बहुत नहीं सोचा और मैं ये फिलॉसफी वगैरह में सोचने नहीं लगा रग, सोचने लगा मैंने ये नहीं सोचा क्यों हमको अरबिक में अरब आराब, अरब में करना चाहिए अंग्रेजी में क्यों नहीं तो फिर मैंने सोचा कि अगर बच्चों को स्क्रैच इस्तेमाल कर सके तो फिर वो बहुत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं uh, है. yeah, uh, uh, uh. जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे क्रिएशन कर सकते हैं इसमें उनकी आइडेंटिटी पर बहुत असर पड़ता है अगर हम उनको अंग्रेजी में करते हैं तो फिर हम उनको ये सिखा रहे हैं कि अगर आपको क्रिएटिव होना है तो फिर आपको ये सी ये ये भाषा सीखनी चाहिए और अरबी भाषा इतनी इतनी में इतना अरबी भाषा इतना महत्वपूर्ण नहीं है और वो चाहते हैं कि आ, दूसरे लोगों के जैसे लगने लगे मगर जब वो अरबी स्क्रैच इस्तेमाल करने लगे फिर छोटे बच्चे जो आठ नौ साल के थे कि जो पब्लिक स्कूल से थे वो स्क्रैच को का इस्तेमाल कर रहे थे और वो बात कर रहे थे कि वो स्क्रैच के साथ स्क्रैच के बारे में वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे और ये जो कहानी और ट्रस्ट जो सब अनुवादक ने बताए हैं मैं उन सब जो अनुवादक जो हमारा मदद कर रहे हैं मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और हम उनकी बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद uh, ट्रेसी मैं आज आपको देख कर मैं बहुत खुश हूँ और आज हमारे सेशन में हम लोग कुछ मजा करेंगे मैं अब कनेक्ट के बारे में बात करना है तो आप कॉन्फ्रेंस के होम पेज पे जाएंगे वहाँ पे आप एजेंडा स्पीकर और, और दोस्त के बारे में आपके पास जानकारी मिलेगी तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से आप जुड़िए जिस भी आप जिस भी सेशन में आप जाना चाहते हैं और हम लोग इसको रिकॉर्ड भी करने वाले हैं तो फ्रांसिस को आप बता सकते हैं कि कैसे हम ये सेशन को ढूंढ सकते हैं तो पहले एजेंडा सेक्शन में है आप वहाँ पे स्क्रैच जूनियर का बबल देखते हैं उसमें आप सेशंस को देख सकते हैं अगर आपने कोई सेशन के में अपना नाम नहीं लिखा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसी भी सेशन में आ, में जा सकते हैं हमारे पास अंग्रेजी में दो कमरे हैं एक स्पैनिश में है और आप उनमें जुड़ सकते हैं और आप जो स्क्रैच की पूरी दुनिया की जो हमारे परिवार है उसमें आप स, जुड़ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप कैसे हैश टैग स्क्रैच कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल करें कर दूसरी सोशल मीडिया पर या आप हेल्प डेस्क में जाइए ताकि आ, हम आपकी मदद कर सकें scratch, go, और अब आप, yes, the आप अपने आ, आप स्क्रैच uh, बॉक्स में आप अपने अपना आपका जो भी प्रश्न है आप उस, वो उधर लिखिए और हमें पता चलेगा हमको ये तीन हफ्तों के लिए हम लोग ये कॉम्पिटिशन कर, कर रहे हैं ये बिल्कुल मुफ्त है और कोई भी इसमें जुड़ सकता है तो आप कैसे जुड़ सकते हैं आप जुड़ सकते हैं जब स्क्रैच कैम्प स्टूडियोज के लिए प्रोजेक्ट बलान से और हर हफ्ते एक नया स्क्रैच कैम स्टूडियो होगा होम पेज पे और आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स में हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं और आप मुझे वीडियोस के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि कई लोग हमारे साथ पूरे दिन के लिए नहीं जुड़ सकते हैं अब हम सब सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक हफ्ते में हम इनको इस प्लेटफॉर्म में डालेंगे और आप बाद में इनको देख सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तीन बज के पच्चीस मिनट पर जो सेशन जो बंद जो हमारा फाइनल सेशन उसमें आइए बस यही है स्क्रैच ऑन